सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो लोकेशन है ना, कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि जानी पहचानी लोकेशन है। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ गिलको वैली सेक्टर 127 में, जो कि हाईवे से आपका 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। और कौन से हाईवे से वो भी बता देती हूँ, ये चंडीगढ़ रोड पे है गिलको वैली सेक्टर 127। और आज का जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, और इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आपको गिलको इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। तो गाइस, इतना बड़ा स्कूल ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल पे है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एरिया कितना डेवलप है, और सोसाइटी भी वेल डेवलप्ड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज मैं आपको 4 BHK डबल स्टोरी हाउस यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। तो चलते हैं सीधा सोसाइटी की तरफ। तो गाइज, अभी जो मैं खड़ी हूँ वो सोसाइटी के एंट्रेंस पे हूँ। आप मेरे बोथ साइड देख सकते हैं, कमर्शियल आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल रहा है, और इसी के साथ ही आपको ये गेटेड सोसाइटी मिल रही है, जहाँ पे आपको 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी मिल रही है। तो चलते हैं हम सीधा अंदर की तरफ, मिलते हैं सीधा आपको विला पे। सो गाइज, हम पहुंच गए अपने विला पे, और पार्क फेसिंग का विला आपके लिए लेके आए हैं 4 BHK 118 स्क्वायर यार्ड में। और ये देख सकते हैं हमारा कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर विला रहेगा। जो रोड रहेगी वो रहेगी आपकी 30 फीट वाइड रोड के साथ। तो गाइस, ये हमारी कोठी है जो कि 118 गज में है, कॉर्नर भी अवेलेबल है और ये वाली भी अवेलेबल है। ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, और यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर हमने यहाँ पे आयरन का यूज करा है। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका मेन गेट। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर की तरफ को एंटर करते हैं, तो ये आ जाता है आपका पार्किंग स्पेस, जहाँ पे आप इजीली कार पार्क कर सकते हैं 4 व्हीलर। और अगर हम इस साइड को आए तो ये मिल रहा है आपको 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस। अंडरग्राउंड आपको यहाँ पे वाटर टैंक के लिए प्रोविजन दिया है। और इसी के साथ ही 4 BHK हाउस है, जिसमें कि 2 बेडरूम नीचे है और 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। बाहर से आपकी स्टेयर्स रहेगी, और एंटर करते ही ये आ जाता है आपका इस साइड को लिविंग एरिया, जिसका साइज है 12x14 का, काफी स्पेशियस है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है। और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ को देखिए, तो डाउन सीलिंग का टीक का हमने यहाँ पे यूज करा है, और ये आ जाते हैं आपके पार्टीशन करा है बीच में, ताकि आपके लिविंग एरिया की प्राइवेसी बने रहे। और इसके साथ ही अगर हम इस साइड को आए तो ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, जिसका साइज रहेगा 12x10 का, और LCD पैनल आपको मिल रहा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी इजीली आप अपने अकॉर्डिंग टेबल चेयर लगा सकते हैं 4-5 सीटर। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका किचन स्पेस, जिसका साइज रहेगा 8x10 में। हमने यहाँ पे किचन बनाया है एल शेप में, प्रॉपर आपको कैबिनेट्स देख सकते हैं ऑलरेडी बने हैं। इस साइड को देखिए तो ये आ जाता है आपका सिंक एरिया, वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रॉपर, और यहाँ पे आप अपना सिंगल डोर फ्रिज या डबल डोर फ्रिज आप इजीली लगा सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज रहेगा 12x14 के साइज में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। बैक साइड में प्रॉपर हमने यहाँ पे टीक का वर्क करा है। इस साइड को आए तो यह आ जाते हैं आपके कबर्ड्स, और यह आ जाती है आपके ड्रेसिंग एरिया के लिए प्रोविजन। बेड के बिल्कुल ही फ्रंट में आपको मिलता है LCD पैनल, राइट। और इस साइड को देखिए तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, ऊपर आपको मिल रही है डाउन सीलिंग, अटैच आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है। ये रहेगा आपका 6x6 का वॉशरूम है, फुल हाइट तक टाइल का वर्क कर रखा है, और जो भी हम बाथ फिटिंग आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं वो रहेगी सहरा ब्रांड की। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। तो लेके चलती हूँ आपको सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम, जिसका साइज रहेगा 10x12 के साइज में हमने यहाँ पे आपको ये वाला बेडरूम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये रहेगी आपके कबर्ड्स स्लाइडिंग डोर्स के साथ, और इस साइड को देखिए ड्रेसिंग एरिया। बेड के बिल्कुल फ्रंट में आपको LCD पैनल यहाँ पे मिल रहा है, और इसी के साथ ही आपको मिल रहा है अटैच वॉशरूम। ये भी 6x6 का वॉशरूम रहेगा, जिसमें फुल हाइट तक टाइल का वर्क रहेगा, और बाथ फिटिंग सेम रहेगी। और इस साइड से देखें तो ये आ जाता है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो प्लस वॉशिंग एरिया के लिए प्रोविजन। ऊपर देखें तो आपको प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन काफी मिल रही है देखने को। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने
फर्स्ट फ्लोर की तरफ लोन फैसिलिटी गाइज आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही प्राइम लोकेशन में आपके लिए आज हम कोठी लेके आए हैं रेडी टू मूव। बाहर से स्टेयर्स रहेगी जिसमें एसएस की रेलिंग लगी है ग्रेनाइट ग्रे के साथ, और एंटर करते ही इस साइड को देखिए तो ये आ जाता है आपका बालकनी स्पेस जिसमें कि हमने प्रॉपर यहाँ पे टफन का यूज करा है। तो इसी के साथ ही इधर को आते हैं तो ये आ जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर। तो एंटर करते ही ये आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस, और इसी के साथ ही डाउन सीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। और इससे को आए तो ये आ जाता है आपका एल शेप में बना हुआ किचन। कबर्ड्स आपको प्रॉपर ऐसे ही मिल रहे हैं, सिंक प्रॉपर आपका मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं। और फर्स्ट बेडरूम रहेगा आपका ये वाला, काफी स्पेशियस है गाइस, ये देख सकते हैं। ये आ जाते हैं आपके कबर्ड्स, और एलसीडी पैनल भी हमने आपको हर रूम में प्रोवाइड करवाए हैं। इसी के साथ ही आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम, राइट। तो चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये आ जाता है आपका बेडरूम जो बहुत प्यारा बना है, बहुत अच्छे साइज में बना है। इसी के साथ ही इसे को देखिए तो ये आ जाता है आपका 6x6 का अटैच वॉशरूम, फुल हाइट तक टाइल का वर्क करा है। और चलते हैं हम वॉशिंग एरिया की तरफ। हमने यहाँ से ही आपको एसेस दे रखा है वॉशिंग एरिया में जाने का, ये देख सकते हैं आप प्रॉपर। और स्टेयर्स भी लगी है ऊपर वाले फ्लोर रूफ पे जाने के लिए। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो रेडी टू मूव हाउस की, जिसका साइज था 118 स्क्वायर यार्ड में, 4 BHK विला आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल रेडी टू मूव। अगर आपने इसका प्राइस जाना है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक भी हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी आके इस प्रॉपर्टी पर विजिट करें, या आने वाले कोई भी प्रॉपर्टी पर विजिट कर सकते हैं जो कि हमारे पास कम बजट में भी अवेलेबल है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।